किसान भवन में बैठक लेने से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कानून कृषि कानून का समाधान सरकार लेकर आएगी और उनके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करेगा उन्हें मान्य होगा। राकेश टिकैत जी हमारे साथ है सर, आज की बैठक की बात करें, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो चुका है, कितनी उम्मीद है? करेंगे, बात करेंगे, आज यहाँ पे जाएंगे, बातचीत करेंगे। सर, सरकार ने बोला था कोई विकल्प इसके अलावा, कानून खत्म करने के अलावा कोई विकल्प लेके आए? ना, सरकार ही लेके आएगी, हमारे पास तो कुछ है नहीं। समिति जो बनी है तो समिति भी आज की बैठक में होगी क्या? नहीं, समिति कहाँ होगी आज की बैठक में, समिति तो एक अलग चीज है, वहाँ तो नहीं हम जा रहे। समिति के सामने आप लोग पेश? ना, ना, ना। यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या, आप लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे? या सुप्रीम कोर्ट की तो बात सब लोग मानते हैं, हमने क्या समिति को मैंने करा के ना बनाओ, समिति बना दी, जिन लोगों को जाना होगा वे चले जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे उस पे उनके पक्ष के लोग होंगे, समिति अपनी रिपोर्ट लगाएगी, सरकार के पक्ष में फैसला देगी, हमें तो पता है उनके समिति का। 26 जनवरी को लेकर जिस तरह से आपकी तैयारियां चल रही हैं, सोमवार को दिल्ली पुलिस की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, अगर परमिशन कर लेंगे जो होगा उसका समाधान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे राकेश टिकैत, साफ तौर पे सुना जा सकता है कि सरकार समाधान लेके आएगी, उनके पास कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज दिल्ली।